क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट आर्टिकल मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, अभी तक मैंने आपको लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाया, ठीक है, वो आर्टिकल कंप्लीट है बेटा। अब जैसे कुछ जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एफ ऑफ अल्फा मान लीजिए पॉजिटिव है और एफ ऑफ बीटा मान लीजिए नेगेटिव है। इस टाइप का केस है, एफ अल्फा मतलब फंक्शन की वैल्यू एट अल्फा और एफ बीटा मतलब फंक्शन की वैल्यू एट बीटा। मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो 100% एक रूट लाई बिटवीन, एट लीस्ट वन रूट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है बेटा। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में होगा। यदि ऐसा है तो अच्छा, जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव होगा। मान लो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तब भी ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एफ अल्फा और एफ बीटा अपोजिट साइन के हैं, एफ अल्फा एंड एफ बीटा अपोजिट साइन के हैं, तो एटलीस्ट वन रूट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये जनरल कंसेप्ट है बेटा, इसको अच्छे से याद रखो और इसको नोट डाल के लिख लो आप, ठीक है। एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में होगा ही। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। लिखिए, क्वेश्चन लिखो। इस आर्टिकल पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। लेट अल्फा बी अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड बीटा द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। Then prove that, आगे लिखे बेटा, then prove that there exists a root gamma of the equation a by 2 x square plus bx plus c बराबर 0 that lie between अल्फा एंड बीटा, दैट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। और साइड में लिखे अल्फा कॉमा बीटा नॉट इक्वल 0। बेटा देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप। मैंने आपको अभी भी बताया कि एफ अल्फा और एफ बीटा यदि अपोजिट साइन के हैं तो एक रूट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब आप देखिए, इसी कंसेप्ट पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उसने बोला है कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फा है और इस क्वाड्रेटिक का एक रूट बीटा है और हमें प्रूफ करना है कि गामा जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में, ये हमें प्रूफ करना है और गामा इसका रूट है, ओके। और प्रूफ करना है कि अल्फा और बीटा के बीच में है गामा। अब आप देखना बेटा, मैं क्या करूंगा, लेट एफ एक्स फंक्शन में कंसीडर कर लेता हूं ए बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान देना बेटा, ठीक है, ये मैंने फंक्शन एफ एक्स ले लिया, इसको मैंने एफ एक्स कंसीडर कर लिया। अब मैं इसमें अल्फा रख रहा हूं एक्स के प्लेस पर अल्फा, तो एफ अल्फा क्या होगा बेटा ए बाय टू
अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। ओके, अच्छा अल्फा वास्तव में क्या है, इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी बेटा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो, ये वाली कंडीशन क्लियर है बेटा, ये गिवन है बेटा। ओके, अल्फा अल्फा जो है वो इसका रूट है तो उसमें मैंने रख दिया। अब आप मुझे बताइए ये क्या लिखा है, बी अल्फा प्लस सी, तो बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू मैं यहां से निकाल के, बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये क्या हो जाएगा ए बाय टू अल्फा स्क्वायर, और बी अल्फा प्लस सी यहां से, बी अल्फा प्लस सी क्या होगा, बी अल्फा सी यहां से होगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर। अब मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्या होगा ये माइनस ए अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए बाय टू अल्फा स्क्वायर। ओके, ये आ गया एफ ऑफ अल्फा, ठीक है, एफ अल्फा मेरे पास आ गया माइनस हाफ ए अल्फा स्क्वायर। अब इसी तरीके से मैं एफ बीटा कैलकुलेट करता हूं, चलो एफ बीटा, एफ बीटा क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एट बीटा। अब मैं एक्स की जगह बीटा रख देता हूं, तो हो जाएगा ए बाय टू, ए बाय टू, ए बाय टू बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, प्लस सी। अब आप मुझे बताइए ये बीटा वास्तव में क्या है, बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास एक और कंडीशन जाएगी माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर जीरो। तो आप मुझे बताइए ये भी गिवन है, तो यहां से मैं बी बीटा प्लस सी की वैल्यू यहां रख देता हूं, बी बीटा प्लस सी उठा के यहां फिट कर देता हूं, हो जाएगा ए बाय टू बीटा स्क्वायर, और बेटा बी बीटा प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, प्लस ए बीटा स्क्वायर। ओके, फाइनली आ गया थ्री बाय टू ए बीटा स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए ये है एफ ऑफ बीटा और ये है एफ ऑफ अल्फा। अब आप ध्यान से देखना, यहां अल्फा स्क्वायर आपको क्या सिखा रहा है, पॉजिटिव, और यहां बीटा स्क्वायर आपको क्या सिखा रहा है, पॉजिटिव, और यहां ए है, यहां भी ए है, बट यहां माइनस ए है और यहां प्लस ए है, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये दोनों अपोजिट साइन के, मान लो ए पॉजिटिव है तो ये पूरा कैसा है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, या ए नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आप ध्यान से देखें एफ अल्फा जो है, एफ अल्फा और एफ बीटा ये दोनों किस साइन के बेटा, अपोजिट साइन के, और मैंने अभी भी बताया कि एफ अल्फा और एफ बीटा यदि अपोजिट साइन के हैं तो 100% इस फंक्शन का रूट क्या है बेटा, इसका रूट क्या है, गामा। तो मैंने सिखाया कि यदि एफ अल्फा और एफ बीटा अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, तो एक रूट लाई बिटवीन, वन रूट लाई बिटवीन, इसका एक रूट ले लिया मैंने गामा, तो गामा 100% अल्फा और बीटा के बीच में होगा बेटा, यही मेरे को प्रूफ करना था। नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, लॉगरिथम, लॉगरिथम इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इक्वेशंस लिख लें आप। लॉगरिथमिक इक्वेशंस, नेक्स्ट आर्टिकल है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी या इक्वेशंस लिख लें। अब आप देखिए
बेटा ये इस टॉपिक का लास्ट आर्टिकल है, आज मैं आपको सिखाऊंगा लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। उसके लिए मुझे फिर से एक बार लॉग के बारे में बताना पड़ेगा आपको। लॉग ए बेस बी, यदि मैं बोलूं कि लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी ये कब डिफाइंड होगा बेटा? जब ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो बट नॉट इक्वल वन। लॉग कब डिफाइंड होता है? इन केस में डिफाइंड होता है। लॉग ए बेस बी, इसमें ए कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव बट नॉट इक्वल वन। बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल वन। और नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बेटा यहां पर दो आर्टिकल चल रहे हैं, एक तो ए चल रहा है और एक बी। ए यहां पर क्या है? नंबर। और बी यहां पर क्या है? बेस। बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल वन। ये तो मैं आपको लॉग डिफाइन करना सिखा रहा हूं। बेटा लॉग कब डिफाइंड होता है? जब ऐसा हो। ओके, अब आप देखना लॉग की इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे लॉग ए, मान लीजिए ऐसा लिखा है लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन लॉग वाई बेस ए। ये लॉग की इनइक्वालिटी है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो डेफिनेशन क्या है बेटा, ध्यान देना। ये लॉग की इनइक्वालिटी है, लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन लॉग वाई बेस ए। ये लॉग की इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉग को डिफाइन करेंगे। और अभी अभी मैंने सिखाया लॉग डिफाइन क्या होता है। तो यहां पर नंबर क्या है बेटा? एक्स। तो सबसे पहले आप एक्स को क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। यहां पर वाई को पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला केस तो ये आएगा बेटा, एक्स को पॉजिटिव बना दिया, वाई को पॉजिटिव बना दिया। अब आपकी नजर जाएगी बेस पर, यहां पर बेस सेम है, देखो। हाँ, यदि बेस सेम नहीं है तो आप बेस सेम बनाए बेस चेंजिंग फार्मूले से। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बहुत पहले, बेस चेंजिंग थ्योरम, मतलब हम बेस चेंज कर सकते हैं, हम एनी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी यहां पर बेस क्या बेटा? ए। तो बेस दो टाइप से होंगे बेटा, इफ ए जीरो टू वन। मान लो बेस जीरो टू वन है, बेस जीरो टू वन है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान देना, लॉग से लॉग कैंसिल कर देंगे और एक्स लेस देन वाई हो जाएगा। बेटा जब भी बेस वन से कम होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले लॉग को डिफाइन किया, लॉग डिफाइन कब होगा? जब एक्स पॉजिटिव हो, वाई पॉजिटिव हो। फिर आपकी नजर जाएगी बेस पर, और बेस बेटा दो टाइप के होते हैं, या तो बेस जीरो टू वन होता है या बेस वन टू इंफिनिटी होता है। यदि बेस जीरो टू वन है, मान लीजिए यहां पर बेस जो है वो जीरो वन के बीच में है, तो आप क्या करना, लॉग से लॉग काट देना। लॉग से लॉग कर सकता है क्योंकि बेस सेम है, और इनइक्वालिटी चेंज कर देना एक्स लेस देन वाई। ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। ओके, अब सेकेंड फोल्डर देखें, मान लीजिए बेस ग्रेटर देन वन है, बेस यदि वन से बड़ा है तो भी आप लॉग से लॉग कैंसिल करेंगे, बट इनइक्वालिटी में नो चेंज, एक्स ग्रेटर देन वाई। बेटा ये है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। बस मैं तो बच्चों को सिर्फ यही सिखाता हूं, इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। बस ये कंसेप्ट याद रखो, मैंने क्या बताया बेटा कि सबसे पहले लॉग की जो इनइक्वालिटी है उसको डिफाइंड करो। डिफाइंड करने का मतलब है कि लॉग में जो लगा हुआ है, यहां पर ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट कि आप बेस को देखेंगे, मान लीजिए बेस जीरो वन के बीच में, तो आप क्या करना, लॉग से लॉग काट देना और इनइक्वालिटी चेंज कर देना। ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। ओके, ये कब होगा बेटा? जब ऐसा हो। और ये कब होगा? जब ऐसा हो, ठीक है। तो ये जो मैंने एरो बनाया है इस पर ध्यान दो बेटा, ये वाला फोल्डर कब जाएगा? जब बेस जीरो टू वन हो। और ये वाला फोल्डर कब आएगा? जब बेस वन टू इंफिनिटी हो, ठीक है। सबसे पहले आप लॉग को डिफाइंड करें, ये कॉमन केस है बेटा, ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। सबसे पहले लॉग को डिफाइन करें, और लॉग डिफाइन कैसे करते हैं, मैंने अभी भी सिखाया, ए कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव बट नॉट इक्वल वन। तो इसका मतलब क्या है, बी ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल वन, इसका मतलब है जीरो टू वन, वन टू इन्फिनिटी। तो मैंने बेस को जीरो टू वन रखा और एक बार वन टू इन्फिनिटी रखा, और जब बेस जीरो टू वन होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी
और जब बेस वन से इंफिनिटी होगा तो नो चेंज. ओके, ये है इनइक्वालिटी का कंसेप्ट, ये है लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटी. ओके, अब मैं इस पर कुछ इलस्ट्रेशंस करा रहा हूं आपको. देखिए, लॉग बेस है बेटा 1/5 और 4x + 6/x ग्रेटर देन 0. मान लीजिए ये इनइक्वालिटी है. मैं आपसे बोलूं चलो बेटा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो. बेटा लॉग इनइक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप 12th क्लास में आएंगे और आपको फंक्शन पढ़ाया जाएगा तब उधर जबरदस्त यूज है इसका, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी. बेटा मैं सिर्फ बच्चों को बोलता हूं कि ये सीख जाओ आप, सिर्फ इतना याद रखो आप, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. अब आप आ जाइए यहां पर. बेटा ये लॉग की इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है. तो मैंने अभी अभी सिखाया कि अच्छा यहां पर मैंने दोनों साइड लॉग लगाए, तो जरूरी नहीं कि दोनों साइड लॉग हो. वैसे हम यहां लिख सकते हैं इस जीरो को, हम क्या ले सकते हैं, लॉग वन बेस 1/5, क्योंकि लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है. तो दो लॉग दिखने लगे आपको, वैसे जरूरत नहीं है आपको. अब देखिए, सबसे पहले तो लॉग को डिफाइन करो. बेटा लॉग डिफाइन कब होगा, जब ये कैसा हो, पॉजिटिव हो. तो 4x + 6/x > 0, ये तो मैंने लॉग को डिफाइन कर दिया. अब आपकी नजर जाएगी बेस पर. बेस क्या है बेटा, 1/5, जो कि 1 से कम है. और मैंने अभी भी सिखाया कि जब भी बेस 1 से कम हो तो इनइक्वालिटी चेंज. अब मैं लॉग को रिमूव कर रहा हूं, और मैंने सिखाया बेटा जब हम लॉग हटाते हैं तो आरएचएस वाला नंबर, आरएचएस में क्या है बेटा, 0, तो ये 0 1/5 की पावर पे चला जाएगा. जब हम लॉग को रिमूव करते हैं तो 1/5 की पावर 0 दैट इज 1, और क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, लेस देन हो जाएगा बेटा. यहां पर ग्रेटर देन था, अब ये लेस देन हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/5 की पावर 0 1. ये सेकंड केस. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बन गई बेटा क्या, जनरल इनइक्वालिटी, जो कि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको इसी टॉपिक में, ये भी जनरल इनइक्वालिटी है. और आखिरी में इन दोनों का क्या लेंगे बेटा, इंटरसेक्शन, फाइनल आंसर. चलो सॉल्व करते हैं इसको. पहले तो इसमें एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2x + 3/x > 0. और बेटा मैंने सिखाया कि जब भी दो फैक्टर हो, सिर्फ दो फैक्टर हैं और ग्रेटर देन है तो रूट्स के बाहर, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, इसका फैक्टर, इसका रूट क्या है, -3/2, और इसका रूट क्या है, 0. तो -∞ to -3/2 यूनियन 0 to ∞, ये आ गया बेटा फर्स्ट का सॉल्यूशन, x belongs to. अब इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, पहले 1 को ट्रांसफर मैंने सिखाया, 4x + 6/x - 1 < 0, देन एलसीएम. अब आप एलसीएम ले ले बेटा, इसके बाद वाला स्टेप है, ध्यान रखना ठीक है, एलसीएम ले और फर्दर सॉल्व करें. एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स एलसीएम आएगा, 4x + 6 - x < 0, ये हो जाएगा 3x + 6/x < 0, 3 से डिवाइड, x + 2/x < 0. हाँ भाई बताइए, कितने फैक्टर है यहां पर, 2, और लेस देन है तो रूट्स के अंदर, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये, तो -2 to 0, यहां से आ गया x belongs to -2 to 0, और ये है -∞ से -3/2 0 to ∞. अब आप बताइए इन दोनों का कॉमन, बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा. देखो ये बोल रहा है 0 से इधर और वो बोल रहा है 0 से उधर, तो 0 वाला तो कॉमन आना नहीं है. हाँ ये क्या है, -2 से, और ये क्या है, -3/2, ये बोल रहा है -3/2 से छोटा और ये बोल रहा है -2 से बड़ा, तो कॉमन क्या आएगा बेटा, -2 to -3/2, ये है फाइनल आंसर, ये इसका कॉमन है बेटा, ये फाइनल आंसर आ गया. इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है ये. x belongs to, यहां मैं क्या कर रहा था बेटा, इन दोनों का कॉमन ले रहा था,
और कॉमन कैसे लेते हैं मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। एक नंबर लाइन बनाओ और उस नंबर लाइन पर इन पॉइंट को प्लॉट करो। पहले कौन आएगा? माइनस टू, फिर माइनस थ्री बाई टू, फिर जीरो। अब आप बताइए ये क्या बोल रहा है, माइनस टू टू जीरो, और ये क्या बोल रहा है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री बाई टू, यूनियन जीरो टू इंफिनिटी। तो ओवरलैप क्या कर रहा है बेटा, इतना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, तो ये है फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेटा लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा था, इसको अच्छे से नोट कर लें आप। यहां पर बेस 1/5 है बेटा ये, ठीक है, और ये लॉगरिथमिक इक्वेशंस हैं। और मेन डेफिनेशन तो ये है बेटा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी है लॉग 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 और बेस है बेटा 7 और इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0, बेस 7 है बेटा। चलो एक बार आप ट्राई करें इसको। सबसे पहले लॉग को डिफाइन करें बेटा, सबसे पहले तो आप लॉग को डिफाइन करो। लॉग डिफाइन कब होगा, जब 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब आपकी नजर जाएगी बेस पर, बेस बेटा 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी में नो चेंज। तो अब आप क्या करेंगे, लॉग को रिमूव कैसे करते हैं, मैंने सिखाया आरएचएस वाला नंबर बेस की पावर पे, तो ग्रेटर देन 7 की पावर 0 1। बेटा ये मेरे पास दो इनइक्वालिटी है। अब इन दोनों को फर्दर सॉल्व और लास्ट में इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से देखना, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है और यही एक्सप्रेशन 1 से बड़ा है। एक काम करते हैं, पहले ही कॉमन ले लेते हैं, ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है और ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ा है, अल्टीमेटली 1 से बड़ा। तो ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाली इनइक्वालिटी पहले से इसके अंदर है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ये चीज इसके अंदर ऑलरेडी है। भाई ये बोल रहा है 0 से बड़ा और ये बोल रहा है 1 से बड़ा, तो भाई जो 0 से बड़ा होगा वो 1 से बड़ा होना ही, सॉरी जो 1 से बड़ा होगा वो 0 से बड़ा होना ही, तो ये 1 से बड़ा है 100% वो 0 से बड़ा होना है, तो ये वाली इनइक्वालिटी इसके अंदर आ गई। अब सिर्फ आपके पास एक इनइक्वालिटी है, सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो 1 को ट्रांसफर करें, सबसे पहले 1 को ट्रांसफर, अब एलसीएम ले, ये आ गई बेटा। अब देखना इसको आगे मैं इधर कंटिन्यू करता हूं, माइनस फाइव से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x-1। बेटा मैं माइनस फाइव से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0, लेस देन 0। बेटा लेस देन 0, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। आप बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही नंबर लाइन, कितने पॉइंट है बेटा, सिर्फ हाफ एक, और चलो पहले क्या आएगा, पॉजिटिव साइन फिर नेगेटिव, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये सब, नॉन रिपीटेड लीनियर कटर में पहले प्लस फिर माइनस, डिमांड क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, नेगेटिव है, तो आंसर है माइनस इंफिनिटी टू हाफ, ये है फाइनल आंसर, ओपन इंटरवल।
ये फाइनल आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो बेटा मैंने दो क्वेश्चन कराए, पहले इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें बेस वन से कम था तो साइन चेंज हुआ, इसमें बेस वन से ज्यादा है तो नो चेंज। अच्छा यहां मैंने क्या किया, देखो पहले आप क्या कर रहे थे, इसको भी सॉल्व कर रहे थे, इसको भी सॉल्व कर रहे थे और लास्ट में कॉमन ले रहे थे। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, पहले ही कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा है और वही एक्सप्रेशन वन से बड़ा है, तो जो चीज वन से बड़ी होगी वो 100% जीरो से बड़ी होनी है। तो ये इसके अंदर ऑलरेडी है, तो मैं सिर्फ इसको ही सॉल्व करूंगा और इसको इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, फाइनल आंसर आ गया -50 से हाफ। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें।